दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य के बारे में कि चाणक्य कौन थे, कहां से आए, क्या सच में उनका भारतीय इतिहास से कोई लेना देना है या नहीं, आखिर वह महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कैसे बने। इसलिए आज हम इन्हीं सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से चाणक्य नाम के व्यक्ति को भारतीय इतिहास में स्थापित करने का काम किया गया है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों एक बात तो सच है कि चंद्रगुप्त मौर्य की शौर्य गाथा वाली सारी जानकारी अंग्रेजी सरकार के आने के बाद ही मिलती है। यही वजह है कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत के भ्रमिकों द्वारा गढ़ी गई किसी कहानी में चाणक्य की कोई गाथा वाली कहानी नहीं है। लेकिन जब अंग्रेजी विद्वानों द्वारा मौर्य शासन की जानकारी इस प्रकार से बताई गई तो भ्रमिकों में खलबली मच गई कि बगैर भ्रमिक के सहयोग से कोई इतना बड़ा शासक कैसे बन गया। अब अगर बन भी गया तो यह अच्छी बात नहीं है, इसलिए उस जानकारी को अब तोड़ मरोड़ कर पेश करना ही होगा। साथ ही उस प्रमाणिक वीरता का सारा श्रेय किसी भ्रमवंश के पात्र को ही जाना चाहिए। बस इसके बाद भ्रमशील समुदाय द्वारा मौर्य काल के महान संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नीति निर्धारण के लिए भ्रमशील समुदाय का एक काल्पनिक पात्र चाणक्य को प्रबंधक के रूप में उदय कराया जाता है। ऐसा मैं नहीं बल्कि चाणक्य के बारे में मिला घुसपैठिया प्रमाण कहता है। फिर भी आज हम कुछ बातों पर यहाँ चर्चा करेंगे। दोस्तों ऐसे ही कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश करना इन भ्रमशीलों की यह पुरानी आदत रही है। दरअसल उनके समुदाय की 8वीं शताब्दी से पहले जो भी काल्पनिक प्रसिद्धि है वह सब घुसपैठ द्वारा ही निर्मित है। एक बात और, दूसरे राजपूत और मुगल काल के दरबार में रहे भ्रमिक दरबारियों की प्रसिद्धि भी जग जाहिर है। इसमें से भी भ्रमिकों की सबसे बड़ी विश्वविख्यात गुणवत्ता अकबर के दरबार में रहे नौ रत्नों में बीरबल, टोडरमल या टोडरमल के परम मित्र तुलसीदास के बारे में जग जाहिर है। प्रमाणिक तौर पर 8वीं-9वीं शताब्दी से पहले भारत में जब किसी जातियों का उदय ही नहीं हुआ था तो फिर भ्रमिकों का जन्म भी होने का सवाल नहीं है। इसी सच्चाई को झुठलाने के लिए भ्रमिक समुदाय अपने काल्पनिक पूर्वज को समय समय पर 8वीं शताब्दी से पहले में जाकर पुस्तकों के माध्यम से पैदा करते रहते हैं। लेकिन ऐसा भ्रम फैलाने से भ्रमशील समुदाय को एक साथ दो बातों का लाभ होता है। पहला लाभ यह होता है कि 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद जन्म लेने वाला भ्रमिक समुदाय के जाति वर्ण का सगा संबंधी पहले की सम्यक संस्कृति में जाकर खुद को प्रत्यारोपित हो जाता है। और भ्रमिकों को दूसरा लाभ यह होता है कि सम्यक संस्कृति में मौर्य वंश के जैसे अन्य बलशाली सम्राटों के पल्लू में छुपकर यह समुदाय अपनी झूठी गुणवत्ता को दिखा देता है। जबकि यह दोनों ही तथ्य तर्क संगत नहीं है, इसलिए तर्क की कसौटी पर जब कोई इनसे सवाल करेगा तो इनके द्वारा बनाया हुआ भ्रम का जाल आसानी से दिख जाएगा। अब आइए चाणक्य नाम के व्यक्ति पर बनाए गए इस भ्रम जाल को देखते हैं। दोस्तों भ्रमिकों ने अपनी ज्यादा फेंकने वाली आदत की वजह से चाणक्य का इतना बखान कर दिया कि आज वही उसके गले का फांस बन गया है। जैसे चाणक्य द्वारा चाणक्य नीति और चाणक्य अर्थशास्त्र की जानकारी को काफी तेजी से जग जाहिर करना। अब इस बात की जानकारी तो सभी को है कि चंद्रगुप्त मौर्य या उस समय के रहे अन्य सभी सम्राटों या सभी विद्वानों द्वारा लिखित जानकारी खुदाई से मिली है। साथ ही उस खुदाई में जो भी लिखित साक्ष्य मिला है वह सारा का सारा लिखा हुआ पत्थरों पर मिला है। इस बात से आप लोग सहमत हैं कि मौर्य काल का सारा लिखित अभिलेख शिला पर मिला है? फिर चाणक्य का लिखित ज्ञान शिला पट पर कब और कहां से मिला है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को भी नहीं मिली। यह बात आज पूरे विश्व को मालूम है कि भारत में ईसवी सन से पहले जिस किसी ने भी कुछ भी लिखा था वह सभी लिखावट शिलाओं पर और धम्म लिपि में लिखा हुआ मिला है। फिर चाणक्य नीति और चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र शिलाओं पर पहले वाली भाषा के रूप में आज तक क्यों नहीं मिला है? क्या चाणक्य उस समय का कोई अपवाद व्यक्ति था जो अपने भ्रमिक समुदाय के अलौकिक शक्ति का प्रयोग करते हुए शिलाओं की जगह सीधे ईसा के बाद बने कागज और ईसा के बाद की विकसित नागरी लिपि द्वारा लेखन का कार्य करने लगा था? अब सवाल यह है कि भ्रमिकों को बिना पुरातात्विक साक्ष्य के चाणक्य की जानकारी कैसे हुई? आज समग्र मौर्य वंश के कार्यकाल के जितने भी लिखित शिलालेख मिले हैं उन शिलालेखों में किसी चाणक्य की कोई चर्चा नहीं मिली है। अगर उन शिलालेखों में चाणक्य की कुछ चर्चा नहीं हुई है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि चाणक्य नाम के पात्र को बाद में प्रत्यारोपित करते हुए भ्रम का जाल बनाया गया है। दरअसल होता ऐसा है कि भ्रमिक समुदाय को जब किसी भी काल या घटना में अपने आप को स्थापित करना होता है तो सबसे पहले एक लेखक का नाम तय किया जाता है। जिस लेखक का नाम कल्पना द्वारा तय होता है उस लेखक का वास्तविक जीवन से
कोई दूर का भी संबंध नहीं होता है। अब खेल का दूसरा पहलू शुरू होता है। पूर्व काल के किसी महत्वपूर्ण वंश की जानकारी वाली पुस्तक या बौद्ध जातक कथाओं से युक्त कोई भाग को लेकर एक पुस्तक की रचना होती है। अब उस रचना में जिस पात्र को या जिस विषय को स्थापित करना होता है उससे संबंधित उस समय के पात्रों को या वैसे विषय का दो शब्द वर्णन कर दिया जाता है और आगे यह पुस्तक एक स्रोत का काम करना शुरू कर देती है। भ्रमिकों द्वारा अभी तक जितनी भी कहानियां बनाई गई हैं, सभी में इसी प्रकार से मिथ्या विषय व मिथ्या पात्र या मिथ्या युग का निर्माण करते हुए एक भ्रम का जाल तैयार किया गया है। ठीक इसी प्रकार चाणक्य नाम के किरदार को मौर्य के दरबार में बैठाने के लिए दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अज्ञात काल में जाकर दो पुस्तकों का लेखन होता है, जिनमें एक पुस्तक का नाम महावंश और दूसरे का नाम मुद्रा राक्षस है। अब जो पहली पुस्तक महावंश है, उस महावंश पुस्तक का प्रथम लेखन किस काल में हुआ और इसका लेखक कौन था, इसकी सही जानकारी देने वाला आज कोई नहीं है। अब इस महावंश पर गौर करें तो पाएंगे कि इसमें सम्राट बिंबिसार से लेकर गुप्त शासक तक का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में सम्यक संस्कृति में रहे सभी सम्राटों और मार्गदाता का कार्य वर्णन चमत्कारिक और विकृत करते हुए दिखाया गया है। महावंश में सम्राट अशोक द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या को भी दिखाया गया है, तो वहीं भगवान बुद्ध द्वारा श्रीलंका का भ्रमण भी बताया गया है। आखिर इस पुस्तक में पुरातात्विक साक्ष्यों के विपरीत इतनी बड़ी छेड़छाड़ किस आधार पर की गई है, इसका कोई भी प्रमाणिक आधार नहीं दिया गया है। जिस कालखंड के बारे में इसमें चर्चा की गई है उससे यही प्रतीत होता है कि इसका लेखन गुप्त काल के बाद में कभी हुआ होगा। एक बात और, इसके लेखन का अनुमान जो लगाया जा रहा है उसके अनुसार उस समय देश पर हर्षवर्धन वंश या पाल वंश का शासन था और साथ ही उस समय देश में अनेक शिक्षण संस्थान भी काम कर रहे थे, जिस वजह से आज गुप्त काल का और अनेक शिक्षण संस्थानों का काफी लिखित साक्ष्य भी मिला है, लेकिन वह सभी साक्ष्य जमीन के अंदर खुदाई से मिले हैं। फिर महावंश की पुस्तक की जानकारी किस उत्खनन से हुई यह आज तक किसी को नहीं मालूम है। सबसे मजे की बात तो यह है कि गुप्त काल, वर्धन काल, पाल काल या उस समय के शिक्षण संस्थानों का सभी लेखन ताम्रपत्र और ताड़पत्र के साथ धम्म लिपि की वर्णमाला में है, लेकिन भ्रमिकों द्वारा चाणक्य को स्थापित करने के लिए लिखी गई महावंश पुस्तक कागज पर है। फिर तो पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि महावंश नाम की पुस्तक का लेखन का समय 9वीं और 10वीं सदी के बाद का है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महावंश वस्तुतः श्रीलंका से जोड़कर लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक के मूल लेखक कौन हैं, इस बात की जानकारी आज तक किसी को नहीं है, लेकिन इस पुस्तक का अनुवाद करते हुए दोबारा 1942 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सहयोग से प्रकाशक बनते हुए पोद्दार प्रसाद गौड़ कायस्थ पाठशाला प्रेस द्वारा मुद्रित करवाया गया था। इस पुस्तक पर अनुवादक के रूप में भदंत आनंद कौशलायन का नाम लिखा है। यहाँ आनंद कौशलायन सिर्फ अनुवादक की भूमिका में है। पुस्तक के अंदर लिखी किसी विषय वस्तु से उनका कोई लेना देना नहीं है। लगता है कि किसी साजिश के तहत भदंत आनंद कौशलायन जी से यह अनुवाद करवाया गया है। आइए अब इस कहानी को समझते हैं। दोस्तों, बड़े पैमाने पर उत्खनन होने के बाद 19वीं शताब्दी में अंग्रेज विद्वान द्वारा पाषाण काल, सिंधु काल, मौर्य काल और गुप्त काल की जानकारी मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से मौर्य काल में बृहद भारत और उत्कृष्ट सम्राट की जानकारी प्राप्त होती है और फिर शुरू होती है एक नई कहानी, यानी कि दूसरी पुस्तक मुद्रा राक्षस के रूप में। दोस्तों, मुद्रा राक्षस के मूल लेखक का नाम विशाखा दत्त अंकित है, जो एक संस्कृत भाषा में नाटक के रूप में अंकित है, लेकिन विशाखा दत्त द्वारा लिखित मूल रचना की पांडुलिपि अभी तक नहीं मिली है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस लेखक की जन्मतिथि और जन्म स्थान कहाँ है, इसकी जानकारी भी अभी तक किसी को नहीं है। इस लेखक ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में लिखित जानकारी को कैसे प्राप्त किया, इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा है। आखिर क्यों? क्योंकि मौर्य काल की सारी जानकारी अंग्रेज विद्वान ने उत्खनन करने के बाद जाना था। इस नाट्य पुस्तक मुद्रा राक्षस को 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद द्वारा अनुवाद किया गया था। जिस अनुवादित नाट्य पुस्तक में अंग्रेज विद्वानों द्वारा दी गई जानकारी का कुछ अंश और स्थापित करने वाले पात्र चाणक्य के बारे में दो शब्द वर्णित है। और फिर क्या, बस यहीं से शुरू होता है एक काल्पनिक पात्र चाणक्य पर भ्रम का जाल बनाना। दोस्तों, इसी मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र सम्राट अशोक शासक हुए थे, जिस सम्राट अशोक का दर्जा विश्व के महानतम सम्राटों में स्थापित है।
उनके द्वारा किए गए देश हित, नागरिक हित, धर्म हित के कार्य और उनके बृहद भारत का शासन क्षेत्र एक अभूतपूर्व मिसाल के तौर पर भी अंकित है। सच तो यही है कि आज तक उतने बड़े क्षेत्र के चौथाई भाग पर भी किसी भी शासक ने कभी शासन नहीं किया है। महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों को अपने नाम से लिपिबद्ध करते गए। सोचो, अगर सम्राट अशोक वैसा नहीं करते तो शायद आज का भ्रमिक संगठन उनके कार्यों को अपने काल्पनिक पूर्वजों के नाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा आश्चर्य तब होता है कि इतना महान सम्राट होने के बाद भी सम्राट अशोक अपने लेखन के लिए पत्थरों का ही उपयोग करते थे। बट इनके भी पहले भ्रमिक वंश का पाणिनि और चाणक्य ने अपनी जानकारी को कागज पर लिखा था। क्या उस समय कागज का आविष्कार हो गया था या फिर भ्रमिकों द्वारा निर्मित कागज के फूलों से आप लोगों को सुगंध आने लगती है? खैर, आप लोग कागज के बने बनावटी फूल से सुगंध का मजा लीजिए। लेकिन सच तो यही है कि सम्राट अशोक या इनके पहले जितने भी लोग अपनी बातों को लिपिबद्ध किए थे, आज उन सभी का लिखित साक्ष्य शिलाओं पर ही मिलता है, जिसको कोई चाह के भी इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों, ईसवी सन से पहले मिले सभी अभिलेखों की लेखन वस्तु का प्रकार पत्थर ही है और लिपि देखने के बाद स्पष्ट पता चलता है कि यह धम्म लिपि है। इस वजह से पत्थरों पर धम्म लिपि की वर्णमाला में पाणिनि द्वारा संस्कृत की पुस्तक, चाणक्य द्वारा नीति शास्त्र की पुस्तक, वाल्मीकि द्वारा रामायण की पुस्तक, मनु द्वारा मनुस्मृति की पुस्तक, वेद व्यास द्वारा महाभारत और गीता की पुस्तक अथवा भ्रमिकों द्वारा फैलाई गई कोई भी अन्य पुस्तक जिन्हें ईसवी सन से पहले की स्थापित होना बताया जाता है, वैसा आज तक कुछ भी नहीं मिला है। यह भ्रमिकों द्वारा फैलाया हुआ भ्रम का एक जाल है, क्योंकि उनकी सभी पुस्तकें कागज और वैदिक नागरी वर्णमाला में हैं, जो कागज और नागरी की वर्णमाला बनने के बाद लिखी गई हैं। दरअसल भ्रमबाजों ने देश के अंदर आज इतना भ्रम का वातावरण बना दिया है कि आज ब्राह्मणी मतों के प्रत्येक अनुयायी को संस्कृत भाषा और नागरी लिपि लाखों वर्ष पुरानी लगती है, जबकि वह आज के साक्ष्य के अभाव में वास्तविकता से कोसों दूर है। भारतीय ऐतिहासिक काल में शिलाओं पर आज तक जो भी लिखा मिला है, उस लिपि को देखकर किसी को नाम जानने में असुविधा नहीं हो, इसी वजह से सम्राट अशोक ने उस लिपि का नाम धम्म लिपि और समुद्रगुप्त ने धम्म लिपि लिख रखा था, जिसको आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का समय ईसा पूर्व 322 से लेकर ईसा पूर्व 185 तक रहा है, जिसमें मौर्य साम्राज्य 10 पीढ़ी तक सत्ता पर आसीन रहा था, यानी कि मौर्य की 10 पीढ़ी मिलाकर 137 वर्ष मौर्यों का शासन रहा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य और सम्राट अशोक ये तीन मिलकर ही 90 वर्ष तक सत्ता पर रहे और कुणाल मौर्य, दशरथ मौर्य, संप्रति मौर्य, सालिसुक मौर्य, देववर्मन मौर्य, सतधनवन मौर्य और बृहद्रथ मौर्य ने मिलकर सत्ता पर 47 वर्ष तक शासन किया, जिसमें सबसे कम समय तक कुणाल 4 वर्ष और बृहद्रथ 2 वर्ष तक सत्ता पर आसीन होने वाले सम्राट हैं। सम्राट अशोक के बाद से ही कुणाल मौर्य के शासन काल से मौर्य साम्राज्य का शासन कमजोर होने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप देश के दक्षिणी भाग पर सातवाहन साम्राज्य का उदय तो पश्चिमी क्षेत्रों पर हिंद बैक्ट्रियाई शासकों का आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण सम्राट अशोक का विशाल साम्राज्य वाला क्षेत्र, जिसे उस समय जम्बू द्वीप कहा जाता था, उस जम्बू द्वीप का क्षेत्र सिमटकर छोटा होता जा रहा था। सम्राट अशोक के मात्र 47 साल बाद ही जम्बू द्वीप के छोटे से भूभाग मगध देश पर शुंग वंश का उदय होता है, यानी कि इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ईसा से दूसरी शताब्दी पूर्व के लगभग जम्बू द्वीप के भूभाग पर तीन शासकों का सत्ता संचालन स्थापित हो जाता है, जिसमें पश्चिम के क्षेत्रों पर हिंद बैक्ट्रियाई की सत्ता तो दक्षिण के क्षेत्रों पर सातवाहन की सत्ता और बीच वाले भूभाग मगध पर पुष्यमित्र शुंग की सत्ता स्थापित हो जाती है। एक बात और, ईसा पूर्व में इन तीनों शासकों के अपने अपने क्षेत्रों से भारी मात्रा में साक्ष्य भी मिले हैं, जिसकी वजह से इस कड़वी सच्चाई को इनकार करना उचित नहीं है। और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी, जो आज मध्य प्रदेश के सतना के पास भरहुत नामक स्थान में अवस्थित है। दोस्तों, अंग्रेजों के समय भरहुत से पुष्यमित्र शुंग काल का काफी साक्ष्य भी मिला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज के भ्रमिक समुदाय ने अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कहें या अपने विरोधियों को दिग्भ्रमित करने के लिए कहें, लेकिन इन तीन शासकों में से शुंग और सातवाहन को वैदिक समर्थक शासक बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है।
लेकिन सच्चाई तो यही है कि आज तक वैदिक होने का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य किसी को नहीं मिला है। अब वहीं दूसरी ओर पश्चिमी क्षेत्रों से आने की वजह से हिंद बैक्ट्रियाई शासकों को विदेशी यानी कि यमन शासक बोला जाता है, लेकिन इन तीनों का जो साक्ष्य है वह सभी सम्यक संस्कृति को मजबूत करने वाला है। इसके लिए कोई कितना भी लिखे या चिल्लाए, लेकिन उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य को कोई थोड़े ही बदल सकता है। दरअसल सबसे पहले पश्चिमी भागों से आने वाले हिंद बैक्ट्रिया के यवन यानी कि यूनानी शासक डेमेट्रियस प्रथम अथवा दमित्र थे, और जिस दमित्र के बारे में यह धारणा बैठा दी गई है कि यह शासक अपने नाम में त्र का उपयोग करता था और साथ ही यह संस्कृत भाषा का लेखन भी करता था, जबकि उसका स्वयं का नाम लिखा हुआ एक अभिलेख मिला है जिस पर उसने अपना नाम धम्मलिपि द्वारा मधुरंग अपयतो यवन राजा दिमित लिखवाया था, यानी कि भ्रमिक लेखकों द्वारा इसके नाम का संस्कार करने से पहले पाली भाषा में इसके नाम का लेखन दिमित के रूप में होता था। अब जैसे जैसे मौर्यों की सत्ता कमजोर पड़ रही थी, वैसे वैसे पश्चिम से यूनानी शासक पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों में अपना पैर फैलाते जा रहे थे। यह सिर्फ पुस्तकों द्वारा लिखकर बताने की बात नहीं है, बल्कि उसका जीता जागता प्रमाण आज भी देखने को मिलता है। सातवाहन द्वारा पूना और मुंबई के बीच लोनावला के पास कारला स्थान पर एक गुफा में चैत्य का निर्माण कराया जा रहा था। उस चैत्य निर्माण में यवन द्वारा काफी सहयोग भी किया गया था। साथ ही उस सहयोग की प्रामाणिकता के लिए यवन शासक द्वारा प्रदत्त खम्भों में ब्राह्मी लिपि यानी कि धम्म लिपि द्वारा थभोदान लिखवाया गया था, जिसे आप लोग वीडियो के स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि यवन शासक सम्यक संस्कृति के अनुयायी भी थे। इसका प्रमाण उत्खनन में प्राप्त यवन शासक द्वारा प्रचलित कई मुद्रा यानी कि सिक्कों में भी मिला है, जिस पर धम्म चक्र, चैत्य और हाथी का निशान मिला है। उसका सेनापति मिनांडर था। मिनांडर आगे भगवान बुद्ध का अनुयायी बनकर मिलिंद के नाम से काफी मशहूर भी हुआ था, जिसके नाम से आज मिलिंद पन्नो नाम की पुस्तक काफी प्रसिद्ध है और त्रिपिटक यानी कि त्रिपिटक का हिस्सा भी बन चुकी है। पश्चिमी भाग से देश में जितने भी शासक आए, वे सभी लोग समय के साथ साथ सम्यक संस्कृति वाली संस्कृति में विलीन होते चले गए। उसमें से किसी का कोई भी अस्तित्व आगे नहीं बचा। अब जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व बचा ही नहीं या बना ही नहीं, तो उसको आज भी कोई अलग नाम व पहचान कैसे दे सकता है। वे सभी लोग विदेशी होते हुए भी आगे इस देश की सम्यक संस्कृति वाली सामाजिक वेशभूषा में रंग कर देश की मिट्टी में विलीन हो गए थे। दोस्तों आज की जानकारी यहीं तक। बाकी का क्या ख्याल है आपका, कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें, और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।